वेलकम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एंटरटेनमेंट कट्स, मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। तो एंटरटेनमेंट कट्स में जहां हम बात करते हैं बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार खबरों की, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। प्रोड्यूसर एक्टर जैकी बगनानी ने अपना 35th बर्थडे मनाया। वैसे क्रिसमस के दिन बर्थडे होने पर जैकी की एक्साइटमेंट कुछ अलग ही नजर आई। जैकी की इस एक्साइटिंग बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए एक शानदार पार्टी रखी गई और इस पार्टी में बॉलीवुड के स्टार्स ने रौनक जमाई। वरुण धवन इस पार्टी में अपनी गर्लफ्रेंड नताशा दलाल के साथ पहुंचे, तो वहीं स्ट्रीट डांसर 3D की अपनी कोहोस्ट नूरा फतेही के साथ जमकर पोज मारे। कार्तिक आर्यन हमेशा की तरह अपनी खतरनाक एनर्जी से भरे हुए नजर आए, तो वहीं भूमि अपनी बहन समीक्षा के साथ पार्टी में पहुंची। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित अपनी एक्टिंग के साथ साथ डांस के लिए भी खूब जानी जाती हैं। माधुरी के डांस का हर कोई दीवाना है, लेकिन माधुरी एक अच्छी डांसर होने के साथ साथ एक अच्छी माँ और पत्नी भी हैं। अक्सर माधुरी को उनके बच्चे और पति के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते स्पॉट किया जाता है, तो वहीं बीते दिनों माधुरी को उनके पति डॉक्टर श्रीराम के साथ मुंबई एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया, जहाँ वो कैजुअल लुक में काफी क्यूट नजर आई। दिसंबर को आम लोगों के साथ साथ बॉलीवुड स्लेब्स ने भी क्रिसमस को सेलिब्रेट किया। एक्ट्रेस कृति सनन ने अपनी बहन नुपुर और पूरे परिवार के साथ एक NGO में बेहद सादगी के साथ क्रिसमस मनाया। नुपुर ने खास बच्चों संग गाना भी गाया, जिसकी वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। And इस बार I just felt like doing it on Christmas. This year has gone amazingly well. And to spend it with them, to spread happiness here, I think it makes your day, you know, really special. So I will remember this Christmas. These kids are so talented and so lovely, you know. As she said, मेरा तो first time है, मैंने first time ऐसा कुछ भी experience किया and I have goosebumps and it's there's such positive energy all like everywhere and the kids are so happy and to sing with them, to dance with them, it's you're just bringing smiles all over. That's what Christmas and New Year should be about. बहुत अच्छा experience होता है। I feel like बच्चे सबसे pure होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। उनकी जो हंसी है, उनका जो बोलने का ढंग है, वो जो भी करते हैं वो बहुत प्योर रहता है, दिल से आता है हमेशा। तो उनकी एक स्माइल भी जो होती है वो बहुत रियल होती है। एंड यहाँ आकर उनके साथ डांस करके, गाना गा के, क्रिसमस सेलिब्रेट कर यू नो, गिफ्टिंग देम स्मॉल थिंग्स एंड दे गेट सो हैप्पी विद जस्ट अ पेंसिल ऑल्सो, आई थिंक दैट्स ब्यूटिफुल। एंड आई थिंक मैं हर साल ये करना चाहूँगी, टू बी ऑनेस्ट। रीमा शेख और अयान खान के नए गाने रहबर के बारे में खास बातचीत हुई। इस बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि इस गाने को जनवरी में रिलीज किया जाएगा। अयान खान ने बताया कि वो इस इंडस्ट्री में सलमान खान और शाहरुख खान से काफी ज्यादा इंस्पायर्ड हैं। अयान के मुताबिक इस गाने की वर्डिंग्स हमारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। मैं बस इतना बोल सकता हूँ कि एक सैड सॉन्ग है जो इंस्पिरेशनल है, जो अभी की जो डेली लाइफ में जो मतलब सबके साथ होता है उसके ऊपर बना है ये सॉन्ग। एंड मोस्टली ये सॉन्ग जनवरी एंड तक आने वाला है, तब तक मैं ज़्यादा चीज़ें रिवील नहीं कर सकता। एंड वेल नोन फेसेस भी है, रीम शेख साथ में है मेरे, जो सबसे बड़ी जो इस सॉन्ग में जो एक्ट है उनका। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विथ रीम शेख। एंड बाकी आप बताइए सर, कैसा फैन सर फील कर रहा है? अभी बॉलीवुड का जाने माना नाम है रीम शेख, तो कैसा फील कर रहा है फर्स्ट सॉन्ग सर कर रहा है? आई एम वेरी लकी टू वर्क विथ रीम शेख। फर्स्ट टाइम वर्क कर रहा हूँ रीम शेख के साथ एंड आई होप सो कि सब बेटर हो एंड आप लोगों की सबकी दुआएं लगे एंड प्यार मिले, मोहब्बत मिले सबसे। एंड पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बर्थडे के मौके पर अटल गीत गंगा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दीप कमल फाउंडेशन की तरफ से किया गया था और इस मौके पर चीफ गेस्ट के तौर पर टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी को बुलाया गया, जो कि पिंक रंग की साड़ी में काफी क्यूट नजर आ रही थी। वो
एक बहुत ही सफल राजनेता थे, 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं और लोगों के द्वारा बहुत बहुत ज़्यादा चाहे गए हैं क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छे राजनेता होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे इंसान थे। उन्होंने लोगों को बहुत ज़्यादा प्रेरणाएँ दी हैं, सिर्फ एक प्रधानमंत्री होते हुए ही नहीं, निजी तौर से भी। निजी कह सकते कि उन्होंने जो कविताएँ लिखी थी वो लोगों के दिलों को छूती हैं। उनकी 51 कविताओं का एक संग्रह है और उनमें से एक का मैंने आज यहाँ पे मैंने रेसिटेशन किया था एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे उन्होंने चुना, मुझे बुलाया। जो कविता आज मैंने भी पढ़ी, वो कविता कहें या कोई भी और, वो हमें कहीं बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं। ये बताती हैं कि स्वतंत्रता सेनानियों ने कितनी ज़्यादा कोशिशें की थी हमें स्वतंत्र कराने के लिए और वहीं हमें बताती हैं कि भाई हमें डट कर लगे रहना है ताकि हम अपने देश का नाम आगे बढ़ा सकें। जियो वंडरलैंड में भारत के सबसे लंबे क्रिसमस ट्री के पास 4000 बच्चों के साथ नीता अंबानी और ईशा अंबानी ने क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस क्रिसमस ट्री को रिलायंस फाउंडेशन ने तैयार किया था। 100 फीट ऊंचे इस क्रिसमस ट्री की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह उस फाइबर से तैयार किया गया था जिसे रिलायंस ने प्लास्टिक बोतल को रिसाइकल करके बनाया था। टीवी एक्टर शरद केलकर छोटे पर्दे के बाद अब बड़े पर्दे पर भी अपनी पहचान बना चुके हैं। शरद एक के बाद एक फिल्मों में शानदार अभिनय करते नजर आए हैं। आपको बता दें कि शरद आने वाले समय में अजय देवगन की फिल्म तानाजी द अनसंग वॉरियर में भी नजर आएंगे, जिसमें शरद छत्रपति शिवाजी के रोल में नजर आएंगे। तो वहीं बीते दिनों शरद को मुंबई एयरपोर्ट में स्पॉट किया गया जहां वो अपने फैंस के साथ पिक क्लिक कराते हुए काफी कूल लुक में नजर आए। अक्षय कुमार, करीना कपूर, कियारा आडवाणी और दिलजीत के मेन रोल वाली फिल्म गुड न्यूज जल्द ही रिलीज होने वाली है और रिलीज से पहले मुंबई में इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई जिसमें बॉलीवुड के कई सितारों ने शिरकत की। फिल्म में करीना के अलावा कियारा आडवाणी भी सेकंड फीमेल लीड की भूमिका में है। वहीं इस स्पेशल स्क्रीनिंग में सभी की नजरें कियारा पर ठहर गईं। कियारा ने स्क्रीनिंग के मौके पर ग्रीन कलर का प्रिंटेड ट्रैक सूट पहना हुआ था जो कि बिना मेकअप सिंपल लुक में भी काफी क्यूट नजर आ रही थी। इसी के साथ एंटरटेनमेंट कट्स में आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही लौटेंगे कुछ बॉलीवुड की चटपटी और मसालेदार खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए एबीसी स्टार न्यूज़। नमस्कार।